अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के पास्ट और फ्रेश इम्पॉर्टेंट MCQs के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे के पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने 30 MCQs को डिस्कस कर लिए थे। तो आज का जो लेक्चर है, हम MCQs नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ MCQs नंबर 31 है, जिसमें कहते हैं कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ ब्रॉडफील हेल्थ क्राइटेरिया ऑफ काजेशन। कहते हैं कि ब्रेडफूड हेल्थ ने जो काजेशन के लिए क्राइटेरिया को रखा था, तो उसमें मंदर जेल में से कौन सा जो है वो शामिल नहीं है, वो नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है टेम्पोरल रिलेशन, ऑप्शन बी दिया गया है कंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी दिया गया है स्पेसिफिसिटी एंड ऑप्शन डी दिया गया है डज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 31 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी जो है ये ब्रेडफूड हेल्थ क्राइटेरिया ऑफ काजेशन में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं आती ये। फैक्टर्स दैट क्रिएट अ स्टेट ऑफ ससेप्टिबिलिटी फॉर एन एजेंट टू डिजीज इज कॉल्ड। कहते हैं वो फैक्टर जो कि क्या करते हैं, एजेंट के लिए एक ससेप्टिबिलिटी स्टेट को क्रिएट करती है कि वो क्या करे, डिजीज़ को काज करे। तो उस वो कौन से फैक्टर है जो कि ये करते हैं, उस फैक्टर्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, ऑप्शन बी एनेबलिंग फैक्टर, ऑप्शन सी प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर एंड ऑप्शन डी रेनफोर्सिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें क्या आता है, ऑप्शन ए आता है, विच इज़ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQs 33 इन एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइब द थिंग्स लाइक अल्कोहल एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड रेडिएशन माइट बी द पार्ट ऑफ। कहते हैं कि हमारे साथ जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड है, तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में मिसाल के तौर पर अल्कोहल एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड रेडिएशन, ये हमारे साथ किस कंपोनेंट में आती है, होस्ट में आती है, एनवायरनमेंट में आती है, वेक्टर में आती है या एजेंट में आती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ क्या आता है, करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज़ एजेंट। ठीक है, एटमोस्फेरिक हो गया, अल्कोहल हो गया, इसी तरह से रेडिएशन, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे साथ एजेंट में आती है। ठीक है, MCQs नंबर 34 पब्लिक हेल्थ एथिक्स इज, हमारे साथ जो पब्लिक हेल्थ एथिक्स है तो ये क्या है। पब्लिक हेल्थ एथिक्स इज पेशेंट सेंटर, पॉपुलेशन सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर या मस्ट रिस्पेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल। तो पब्लिक हेल्थ एथिक्स यूजुअली हमारे साथ पॉपुलेशन सेंटर है। ठीक है, मतलब पूरे पॉपुलेशन के लिए हमारे साथ जो हेल्थ से रिलेटेड जो एथिक्स है उसको फॉलो किया जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 35 विच ऑफ द फॉलोइंग आर गोल ऑफ वैक्सीनेशन। हम जो वैक्सीनेशन करते हैं तो इसका जो बुनियादी मकसद है वो क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी प्रिवेंट डिजीज, ऑप्शन सी प्रिवेंट ट्रांसमिशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 35 में हमारे साथ ऑल ऑफ द अबव आता है। ठीक है, इन्फेक्शन के होने से भी हम क्या करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन करते हैं डिजीज़ के लगने से, और इसी तरह से डिजीज़ के ट्रांसफ़र होने से हम बचाने के लिए क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। MCQs 36 डिजीज डेट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी यूजुअली एट अ लो आर कार्ड। वो डिजीज़ जो कि ऑलवेज हमेशा जो है कम्युनिटीज़ में मौजूद होती है, लेकिन उसका जो रेशो होता है या जो रेट होता है वो लो होता है। तो इस तरह के डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक्स कहते हैं, एंडेमिक्स कहते हैं, स्पोरेडिक कहते हैं या पेंडेमिक कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 36 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ एपिडेमिक। ठीक है, MCQs 37 एन एपिडेमिक
date becomes unusual, widespread and even global in its reach is referred as, तो इसको क्या कहते हैं, जो कि epidemic होता है communities में होता है, लेकिन communities से वो फैल जाता है और पूरी दुनिया में जो है वो बीमारी जो है फैल जाती है, तो इस तरह की जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, pandemic कहते हैं। option D हमारे साथ MCQs 37 में correct आता है, ठीक है। MCQs 38 हमारे साथ मौजूद है, जिसमें कहता है कि which of the following best describes the retrospective design where subjects are sampled by disease status and is often used when the investigator is interested in rare diseases, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं इंटरवेंशन ट्रायल्स, ऑप्शन बी केस कंट्रोल स्टडी, ऑप्शन सी कोहर्ट या ऑप्शन डी इटियोलॉजिकल या इकोलॉजिक स्टडी, ठीक है। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन MCQs 38 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ कोहर्ट, ठीक है। MCQs 39, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्टडी डिजाइन दैट कैन बी इधर रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, जिस जो कि रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है और प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, एंड इज ऑफन यूज वेन द investigators are interested in rare exposure, ठीक है। तो options इसमें दिए गए हैं intervention trials, option B cohort study, option C prevalence study and option D case control study। तो correct option हमारे साथ MCQs 39 में option B आता है, which is cohort study। MCQs number 40 हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं कि which of the following is not a type of descriptive study, मंदरजेल में से कौन सा जो है descriptive study की किस्म नहीं है, ठीक है। option A case control, option B cohort, option C RCT मतलब एंड ऑप्शन डी केस रिपोर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 40 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ RCT, ठीक है। MCQs नंबर 41, ओवर 20 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डाई फ्राम इन्फ्लुएंजा इन 1918 टू 1919 इज़, कहते हैं कि पूरी दुनिया में 1918 से लेकर 1919 तक पूरी दुनिया में तकरीबन 20 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है उनकी डेथ हुई थी इन्फ्लुएंजा की वजह से। तो ये एपिडेमिक है, एंडेमिक है, स्पोरेडिक है या पेंडेमिक है, तो ये हमारे साथ पेंडेमिक है, ठीक है। MCQs नंबर 42, अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन इज कॉल्ड, मतलब वो कंडीशन जिसमें लोग जो है सोशली जो है वो क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, उनका लोगों के साथ मिलना जुलना कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसको सिकनेस कहते हैं। ऑप्शन डी हमारे साथ MCQs नंबर 42 में करेक्ट आता है। MCQs नंबर 43, अ कम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर्स रिजल्ट इन डिजीज इज डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल, ठीक है। कहते हैं कि मुख्तलिफ फैक्टर्स जब आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो इसके नतीजे में डिजीज़ जो है वो काज होती है। तो इस इज डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल, तो ये कौन से मॉडल में इसको डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन ए एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड, ऑप्शन बी व्हील मॉडल, ऑप्शन सी वेब ऑफ कॉजेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो वेब ऑफ कॉजेशन में जो है इस बात को जो है डिफाइन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs नंबर 44 है, कहते हैं इन द KP इन 2003 अ टोटल ऑफ 2000 डेथ आकर, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन वॉज 2 लाख, कैलकुलेट द क्रूड मोर्टेलिटी रेट। तो आपने जो है क्रूड मोर्टेलिटी रेट को जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप बिल्कुल आसानी से जो है इस डेटा को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें जो है मुश्किल की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 44 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ 10 डेथ पर 100 पर 1000 पॉपुलेशन, डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब 1000 पॉपुलेशन में जो है 10 डेथ जो है वो मोर्टेलिटी रेट था, ठीक है। हर 1000 की आबादी में जो है 10 लोग जो है वो मरते थे, ठीक है। MCQs 45, द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन विद अ पार्टिकुलर कंडीशन हु डाई फ्रॉम दैट कंडीशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, क्रूड मोर्टिलिटी रेट कहते हैं, केस फर्टिलिटी रेट कहते हैं, एज स्पेसिफिसिटी रेट कहते हैं, या सेक्स स्पेसिफिक रेट कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ केस फर्टिलिटी रेट, ठीक है। एक ख़ास बीमारी की वजह से जब लोगों की डेथ होती है तो उसको हम केस फर्टिलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। MCQs 46,
रिलेटिव रिस्क इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड फॉर. रिलेटिव रिस्क हम किस चीज़ के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQ 46 में कोहर्ट स्टडी आती है. कोहर्ट स्टडी के लिए हम रिलेटिव रिस्क को यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड ब्रैडफोर्ड हेल्थ क्राइटेरिया, ब्रैडफोर्ड हेल्थ क्राइटेरिया के द टर्म रिफर्ड टू द नेसेसिटी फॉर अ काज टू प्रीसीड एंड इफेक्ट इन टाइम इज. तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि ऑप्शन ए डज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ऑप्शन बी प्लॉसिबिलिटी, ऑप्शन सी टेम्पोरल रिलेशन एंड ऑप्शन डी कंसिस्टेंसी. तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 47 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ टेम्पोरल रिलेशन, ठीक है, वक्ती रिलेशन होता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरेटर इज नॉट द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. मंजर ज़ेल में से कौन से चीज़ में जो है, कौन से पैरामीटर में जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का हिस्सा नहीं होता. MCQ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज़ रेशो, ठीक है. MCQ 49, अ सैंपल सेलेक्टेड इन द वे दैट एवरी फिफ्थ इंडिविजुअल वर सेलेक्टेड इन अ सैंपल इज एन एग्जांपल ऑफ. रैंडम सैंपल, सिस्टेमिक सैंपल, कन्वीनियंट सैंपल एंड स्नोबॉल सैंपल. तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 49 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ सिस्टेमिक सैंपल, ठीक है. MCQ 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म इज स्नैपशूट. स्नैपशूट मंजर ज़ेल में से किस चीज़ के लिए जो है दूसरा टर्म स्नैपशूट जो है यूज होता है. ऑप्शन ए केस कंट्रोल, ऑप्शन बी कोहर्ट, ऑप्शन सी क्रॉस सेक्शनल स्टडी या ऑप्शन डी PCT. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQ 50 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ केस कंट्रोल स्टडी के लिए दूसरा जो वर्ड यूज होता है, टर्म यूज होता है, वो है स्नैपशूट. MCQs बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. द स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इन विच पैथोजन चेंजेस आर प्रेजेंट बट स्टिल द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर नॉट अपीयर इज कॉल्ड स्टेज ऑफ सब्सेप्टेबिलिटी, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज, स्टेज ऑफ डिसेबिलिटी. तो करेक्ट ऑप्शन 51 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज, ठीक है, जिसमें बीमारी तो मौजूद होती है लेकिन उसके अलामात अभी जाहिर नहीं हुए होते. MCQ 52, वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन या प्रीमोडियल प्रिवेंशन. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है. MCQ 53, अ पर्सन हु डज नॉट हैव अपेरेंट क्लिनिकल डिजीज बट इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर पीपल इज कॉल्ड रिजर्वायर सिक कैरियर वेक्टर, ठीक है. वो बंदा जिसमें अभी क्लिनिकल जो डिजीज़ है वो अपेयर नहीं हुई होती लेकिन उससे दूसरे लोगों में बीमारी के फैलने का खतरा ज़्यादा होता है, तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर सिक कैरियर या वेक्टर. तो MCQ 53 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, ऐसे लोगों को हम कैरियर कहते हैं, ठीक है. MCQ 54, हु इन्वेंटेड एंटीबायोटिक फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली दफ़ा एंटीबायोटिक किसने दरियाव की थी, बनाई थी. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली मरतबा जो है सबसे पहले एंटीबायोटिक को तैयार किया था. MCQ 55, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डील्स विद टाइम पर्सन एंड प्लेस. मंजर ज़ेल में से कौन सा टर्म जो है उसमें हम टाइम पर्सन और प्लेस की बात करते हैं. तो ऑप्शन ए डिटर्मिनेंट्स, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी फैक्टर, ऑप्शन डी स्टडी. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें ऑप्शन बी आता है, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन में हम टाइम की भी बात करते हैं, पर्सन की भी बात करते हैं और प्लेस की भी बात करते हैं. MCQ 56, अ टाइप ऑफ सर्विलेंस इन विच द फोकस इज वन और मोर सिम्पटम ऑफ अ डिजीज इज नोन एज. सर्विलेंस की वो किस्म जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा सिम्पटम ऑफ डिजीज़ पर फोकस करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्विलेंस, एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस या सिंड्रोमिक सर्विलेंस. तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 46 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज़ सिंड्रोमिक सर्विलेंस, ठीक है.
MCQ 27, laboratory tests that help to identify people with increased risk for a disease before they have symptoms are called. Symptoms के होने से पहले जो है उनको जो है टेस्ट से पता चलता है कि इनको ये बीमारी के होने के चांसेस है, तो इसको क्या कहते हैं, क्यूरेटिव टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट या नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ स्क्रीनिंग टेस्ट आता है, विच इज़ ऑप्शन सी। 58, स्क्रीनिंग द होल पॉपुलेशन इज कॉल्ड हाई रिस्क या मास स्क्रीनिंग, इसको मास स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है MCQ नंबर 58 में। MCQ 59, when screening test result sick people correctly as sick, जब screening test के result आ जाए और उसमें हमें sick people के बारे में जो है वो पता चले कि ये correctly sick है, ठीक है, असल में sick है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम true negative कहते हैं। MCQs ये भी बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, MCQs 59 जो है ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा important है, सॉरी ट्रू नेगेटिव नहीं कहते इसको, ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव इसको कहते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है वो हमारे साथ पॉजिटिव आया हुआ होता है। द टर्म डीलिंग विद द नंबर ऑफ डेथ इज कॉल्ड, वो टर्म जिसमें हम डेथ नंबर के साथ डीलिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, बर्थ रेट या कैजुअलिटी, तो इसको मोर्टेलिटी कहते हैं, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ एपिडेमियोलॉजी के इंपॉर्टेंट MCQs जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी अगर मसला है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के MCQs के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।